हेलो दोस्तों, नमस्ते। दिस इज़ ललित राज और ये मेरी लाइफ का, मतलब मेरी लाइफ का तो नहीं, वैसे तो मैंने छोटे मोटे ऐसे बहुत ब्लॉग बनाए हैं, बहुत वीडियो शूटिंग्स वगैरह की हुई हैं एज अ मतलब टाइम पास के हिसाब से भी, और प्रोफेशनल लेवल पे भी मैंने थोड़े बहुत वीडियो के हिसाब से किया हुआ है। एक्चुअली मेरा प्रोफेशन तो आपको पता ही है कि जो प्रोफेशन है अपना, मोस्टली मैं शेयर मार्केट में वर्किंग करता हूँ। शेयर मार्केट के हिसाब से थोड़ा मेरा ब्रोकरशिप का काम है और प्लस उसके अंदर कुछ स्टॉक्स वगैरह जो रहते हैं तो वो होल्डिंग सेलिंग बाइंग वगैरह चलता रहता है। और उसमें जो अभी मोस्टली जो मैं कर रहा हूँ काम, अभी अच्छे अच्छे उसके भी कुछ वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। मेरा रहना थाना में ही है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप थाना मुंबई में ही रहता हूँ। और आज की तारीख में क्या हो गया है कि 2-3 साल हो गए, जैसे ये मेरे डैडी एक्सपायर्ड हो गए। डैडी एक्सपायर्ड होने के बाद फिर उसके पहले ही कोरोना भी का माहौल भी चालू था। डैडी तो वैसे नेचुरल डेथ हुई उनकी, और जो कोरोना जो था वो 2 साल से बहुत डिस्टर्ब किया लोगों को, और उसमें मुझे भी बिज़नेस में कुछ लॉस हुआ। मैं भी कुछ वर्क कर रहा था, मेरी भी कुछ 2-3 ऑफिसेस थी ट्रांसपोर्टेशंस की और इसके अपना शेयर्स मार्केट की, तो वो भी मुझे क्लोज करनी पड़ी। तो अभी देख रहे हैं, भगवान की दुआ से वापस कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे वापस ज़िंदगी में आने के लिए। पर जब भी 2 साल का जो कम्फर्टेबल जोन रहा, वो कम्फर्ट जोन से मैं निकलना चाहता हूँ, पर अभी ऐसा हो गया है कि कंफर्ट जोन से निकलने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ रही है, निकल नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक अपना ब्लॉग ही डाल दूँ, तो उसमें थोड़ा बहुत मैं एक्टिव रहने की कोशिश करूँगा। एक्टिव रहूँगा तो क्या होगा कि ये थोड़ी मेरी जो बुरी आदतें हैं वो थोड़ी बदल जाएगी। और एक्टिव होने के लिए आपको तो पता है क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी ऐसा है कि नया नया मेरा ब्लॉग है, नया नया ब्लॉग के कारण मैं आपको डेली ब्लॉग तो नहीं दे पाऊँगा। और जिस तरह ब्लॉग के अलग अलग टाइप्स रहते हैं, जैसे कि अपना डेली ब्लॉग क्या रहता है, क्या खाया है, क्या पिया है, कहाँ घूमे, क्या किया, वो सब कुछ बताना पड़ रहा है, तो वो फ़िलहाल तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। और ट्रैवल ब्लॉग हैं तो ट्रैवल ब्लॉग भी मैं बताऊंगा। डेली ब्लॉग जब भी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कुछ लगेगा इंटरटेनिंग है, कुछ फ्यूचर में इसमें आपको बताने से कुछ नॉलेज मिलेगा उस, या आपका कुछ भला होगा, तो मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। नहीं तो मैं डेली ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा। और ट्रैवल ब्लॉग में अगर कोई ट्रैवल मेरा प्लान होगा या कहीं बाहर जाने का प्लान होगा, जैसे कि ये 2 साल में तो मैंने क्या किया कि हाँ भाई, अपना पूरा जो ग्रुप था हम लोग सब डिस्टर्ब हो गए, अलग अलग फैल गए, मेरे डैडी भी एक्सपायर्ड हो गए। तो उसके बाद हम लोगों ने ट्रैवलिंग का जो हमारा हर साल का रहता ही था, मतलब साल में 6 बार हम लोग ट्रैवलिंग करने के लिए कोशिश करते ही थे, कहीं ना कहीं घूम के आते थे और अपने काम में लग जाते थे। पर हुआ क्या कि ये 2 साल में हम लोग कहीं गए नहीं, कि हाँ भाई ये रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा है वैसा है, और गवर्नमेंट भी उसके ऊपर बहुत ये स्ट्रिक्ट लॉज वगैरह फॉलो कर रही थी, पर कोई घूम रहे थे कोई नहीं घूम रहे थे। तो हमने सोचा क्यों गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन अवॉइड करना है जो है, क्यों, एक तो पैनडेमिक वर्ल्ड चल रहा है, तो उसके हिसाब से जो वर्ल्ड को जैसा चाहिए उसी हिसाब से रहो, दुनिया जैसी चल रही है दुनिया के साथ रहो। तो हमने भी वो कम्फर्ट जोन ही अपनाया और बाहर ज़्यादा ट्रैवल किया नहीं, तो फिर वो ट्रैवल ब्लॉग वगैरह भी करेंगे। और तो उसके अंदर मैं कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह रहेंगे तो वह मैं आपको उसमें पोस्ट करूँगा, वो मेरी कोशिश रहेगी। अच्छा अच्छा ग्रुप अगर मुझे मिल गया घूमने के लिए, या कोई अच्छा टूरिस्ट स्पॉट वगैरह मिल गया, या अच्छा कोई प्रोग्राम बन गया टूरिस्ट का, तो वहाँ पर जाएँगे। जैसे नेशनल है, इंटरनेशनल है, मुझे बाइक वगैरह, गाड़ियाँ, ट्रेन, फ्लाइट सब में घूमना फिरना पसंद है, तो कोशिश करूँगा कि वैसे आपको ब्लॉग दूँ। और प्लस इंफॉर्मेटिव ब्लॉग, जो इंफॉर्मेशन के जो ब्लॉग्स रहते हैं वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। और टेक्निकली ब्लॉग जो रहते हैं वो तो अभी मुझे इतना, मैं टेक्निकली सेवी नहीं हूँ, टेक्निकली हूँ,
पर मैं मुझे उसमें उतनी आदत नहीं है, रेगुलर कुछ ना कुछ टेक्निकली स्टडी करता रहूँ, वैसा ये वर्कआउट करूँ, क्या सेटअप करना है क्या नहीं करना है, वो मुझे पसंद नहीं है। पर अगर कुछ टेक्निकली अच्छा कुछ दिखाने जैसा रहेगा तो मैं उसके बारे में भी कुछ वीडियो बनाऊँगा। और मोटिवेशनल ब्लॉग जो है वो तो अभी बहुत सारे आ गए हैं, सब लोग अपने अपने डेली के मोटिवेशंस जो है एवरीडे कुछ गुड फील कराने के लिए। मैंने मोटिवेशनल तो सबसे बढ़िया ये है कि आप खुद मोटिवेट रहो, मोटिवेट रहने के लिए तो मैंने ये ब्लॉग बनाया है, जिससे खुश रहूं और माइंडफुल रहूं और कैसा मोटिवेट करना है वो कोशिश करूंगा। आप भी मोटिवेट रहिए। फिर एजुकेशनल ब्लॉग जो होते हैं, एजुकेशनल ब्लॉग में जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, वोकल कोच रहते हैं, लैंग्वेज टीचर रहते हैं, तो मैंने एजुकेशन के हिसाब से तो मैंने कुछ सोचा नहीं है फ़िलहाल कि हाँ भाई कुछ एजुकेशन वगैरह देना चाहिए। पर अगर आप कुछ कमेंट करते हैं, अगर आपको कुछ एजुकेशन की नॉलेज चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी आपको आइडिया दे दूँगा। और चैलेंज ब्लॉग भी करते हैं लोग, वो चैलेंज वैलेंज जो मुझे पसंद नहीं है, वो सब मीनिंगलेस है, वो बच्चों के काम रहते हैं, उसमें सिर्फ ये रहता है एक दूसरे की टांग खींचना। और रहा म्यूज़िक ब्लॉग में अभी फ़िलहाल तो मैंने शौकीन हूँ म्यूज़िक का, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स वगैरह मुझे आते हैं पसंद, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ अच्छे म्यूज़िक या अच्छे वर्किंग होगा तो मैं आपको म्यूज़िक ब्लॉग भी दे दूँगा। और ओपिनियन ब्लॉग जो रहता है वो ओपिनियन ब्लॉग, अगर आपको कुछ ओपिनियन चाहिए रहेगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी ओपिनियन ब्लॉग बना दूंगा। और कुछ रिव्यूज़ वगैरह चाहते हैं, बुक रिव्यूज़ है, फूड रिव्यूज़ है, गैजेट रिव्यूज़ है, थिएटर रिव्यूज़ है, तो उसमें मुझे कुछ थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी तो वो मैं आपको दे दूँगा। तो कोशिश करूँगा कि यही है कि फ्यूचर में अच्छा अच्छा ब्लॉग बने। मोस्टली मेरा प्रेफरेंस तो यही है ट्रैवलिंग ब्लॉग का और इंटरटेनमेंट ब्लॉग का और कुछ कॉमेडी ब्लॉग का। तो क्या होता है कि मुझे लाइफ में इंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग और कॉमेडी वगैरह ये बहुत पसंद है। और जैसे आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम धंधा करना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं सिर्फ शेयर मार्केट का काम धंधा वगैरह कर रहा हूँ। बाकी तो अभी दूसरी ओर से जैसा ऊपर वाला चाहेगा, जैसे जैसे वो घुमाएंगे, जैसे जैसे जहाँ चलाएंगे वैसे चलते रहेंगे और कोशिश करेंगे सबको खुश रखे और खुशी हिसाब से रखे। ये साल नया साल है, नए साल के हिसाब से हैप्पी दिवाली होती है। अभी देखिए हमारे ऊपर कौवे महाराज भी आके बैठ गए हैं, वो भी कुछ आपको कहना चाहते हैं हमारे ब्लॉग में, तो इनसे अभी आपको कुछ कहना चाहेंगे तो बता दीजिएगा तो उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात मैं मोटिवेशन जो रहता है मेरा, मोटिवेशन तो मोस्टली यही है कि कैसे खुश रहूं। तो मोटिवेशन लेने के लिए आपको यही करना है कि जो आपको पसंद है, जिससे जो आप जो चीज़ को आप प्यार करते हो वो आप करो, दूसरों की मदद करो और सबके लिए थैंकफुल रहो, जो भी आपके साथ रहे या कुछ भी आपको मिला उसके लिए थैंकफुल रहो। और जो भी आपको कुछ चाहिए या आपने कुछ पाया है तो शेयर करो, तो वो ही सबसे अच्छा मोटिवेशनल है। और स्माइल करो, हमेशा खुश रहो, एक्सरसाइज किया करो। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ, करता हूँ कभी कभी ज़रूरत पड़ी है तो लगता है यहाँ पर एक्सरसाइज करने जैसा है तो कर लेते हैं। और अपने कुछ कोचेस बनाओ, फिर अपने स्ट्रेस जो है उसको मैनेज करने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत हेल्दी फूड खाओ। मैं वेजिटेरियन फूड का ईटर्स हूँ, मुझे नॉनवेज बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो जो क्रुएलिटी वगैरह है वो मुझे पसंद नहीं है एनिमल्स के ऊपर, तो मैं नॉनवेज बिल्कुल प्रीफर नहीं करता हूँ। और प्लस ग्रामीण हूँ, तो ग्रामीण में तो आपको पता है पैदाइशी हम लोग वेजिटेरियन ही रहते हैं। और मोस्टली यही चाहता हूँ कि सबको वेज ही मिले फूड, क्योंकि वेज आजकल रेगुलर हो गया। पहले एक ज़माना था लोग जंगली हुआ करते थे, जंगल में कुछ खेती वेती नहीं कर सकते थे तो वो नॉनवेज वगैरह बना लेते थे, नॉनवेज बना के फिर बाद में वो लोग खाते थे। अभी तो खेती वगैरह सब होता है, आप पनीर खा सकते हो, अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ बना सकते हो, तो मुझे वो वेज ही ज़्यादा अच्छा पसंद है। और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ टाइम बिताना पसंद है,
और जो निगेटिव थिंकिंग है वो हमेशा मैं डंप कर देता हूँ। तो इस तरह आप भी मोटिवेशन रहिए, मोटिवेटेड रहिए, और जो गरीब हैं, अच्छे लोग हैं, उनको गिफ्ट दीजिए, और कुछ भी अगर होए फॉरगिव एंड फॉरगॉट करने की कोशिश कीजिए, और नेचर के साथ चलते रहिए, और बी योरसेल्फ में रहिए। यही है आपसे, भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आप सब खुश रहे, मस्त रहे, मज़े में रहे। और कुछ अगर मुझसे कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।